हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड और पोहे का बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और करारा नाश्ता। अगर आप आलू और बेसन के नाश्ते खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, लाइट वेट खाना चाहते हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये बनने वाली है पोहा से, तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने दो चीजें ली हैं। तो सबसे पहली चीज है हमारी पोहा, जिसको चूरा ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है, वेट नहीं है, मुश्किल से 5 ग्राम है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, ज्यादा चढ़ता है। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, ब्रेड आप ब्राउन भी ले सकते हैं, मैंने व्हाइट वाला लिया है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 स्लाइस लिया है, क्योंकि मेरा लार्ज वाला था। अगर आपका स्मॉल वाला है तो आप 8 पीसेस ले लेना, काफी होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट, बिना टाइम को बर्बाद किए डियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हम इस तरह से छन्ना रखेंगे, और अब हम इसके अंदर अपना पोहा ट्रांसफर कर देंगे, और इसे हमें अच्छे से वॉश करना है, ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो इस तरीके से हम अच्छे से मलमल के 3 से 4 पानी से वॉश करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने पोहे को अच्छे से 3 से 4 पानी वॉश कर दिया है, और ये देखिए पानी का कलर जो है, इससे ही पता चल रहा है कि पोहा आपका कितना गंदा होगा, आपको भी पता चल जाएगा। और बिना पोहा धुले आप इस्तेमाल मत करना। तो यहाँ पे जो मैंने पोहा इस्तेमाल किया वो पतला वाला है, तो इसे हमें भिगोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका पोहा मोटा वाला है तो आप इसको भिगो देना, अगर आपका पतला वाला है तो बिना भिगोए आप इसे इस तरीके से एक दूसरे बर्तन में रख दीजिए 5 मिनट, ये अच्छे से फूल जाएगा और इसमें ज्यादा चिपचिपापन नहीं होगा। तो चलिए ये पानी हम साइड में रख देते हैं डियर। तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, इसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे अदरक, जो हमारी 2 इंच की अदरक थी, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरीके से कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 3 ग्रीन चिली, जो मेरी तीखी वाली है। अगर आपकी तीखी वाली ना हो तो आप 4 से 5 डाल सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाते तो आप हरी मिर्च की मात्रा को कम कर देना। अगर आप मेरी तरह से थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप 3 जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 7 से 8 कड़ी पत्ते डालेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो आप इसकी जगह पे धनिया भी डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं डियर। और अब इसमें डालेंगे 3 कलियां लहसुन की, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन को हटा सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और लुक आएगा। जीरे को मैंने हल्का सा तावे में भून लिया था और भून कर डाला है, बहुत ज्यादा काला नहीं करना है जीरे को। और अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना नमक जाएगा ना पानी जाएगा, इसको हम कवर कर देंगे और मिक्सी को 1 से 2 बार चलाकर रोक देंगे, और इसको हम दरदरा पीसेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं लगा था। इस तरीके से हमारा ये बन गया है, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे, और यहाँ पे जो हमारा पोहा था वो बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया, अब इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे इस बर्तन में। तो फ्रेंड इस तरह से ट्रांसफर करने के बाद अब हमारा जो मसाला हमने रेडी कर रखा था ग्रीन वाला, ये हम सारा का सारा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको हाथ से इसे ऐड करना है, ताकि ये आसानी से निकल आए, चम्मच से उतने अच्छे से ये निकल नहीं पाएगा। ये देखिए मैंने ग्रीन मसाला सारा का सारा ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 मीडियम साइज की प्याज, जो मैंने इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली है। अगर आप लोग प्याज नहीं खाते तो आप इसको हटा सकते हैं डियर। 1 हमने शिमला मिर्च, जिसको हमने पूरा का पूरा कट कर लिया है, ये हम डाल देंगे, और इसको हमने हल्का सा बड़ा बड़ा और मोटा मोटा कट किया है, आपको भी ऐसे ही कट करना है। अब इसमें 1 हरी मिर्च, जो हमने इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली, ये डाल देंगे। अब नाश्ते की जान फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, 2 से 3 चम्मच में डालनी हो। अगर आप लोग हरा धनिया नहीं खाते इतना ज्यादा तो आप इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि ये तीखी नहीं होती, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून तक डाली है। अब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दीजिए, आप जितना नमक खाते उतना डालना, तो मैंने 1/2 टीस्पून तक डाला है। और अब इसमें हम 1 चम्मच भरकर डालेंगे चाट मसाला, ताकि ये नाश्ता चटपटा बने। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप आधा नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच, और ये मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर दूंगी डियर। और अब इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, तो हल्दी इसमें बहुत ही ज्यादा नहीं जाएगी, सिर्फ 1/4 चम्मच जाएगी, ये देखिए बस इतनी हल्दी काफी है। अगर आप ज्यादा हल्दी डालेंगे तो ये पीलेपन की जगह पर लालपन छोड़ने लगता है, जो देखने में खूबसूरत नहीं लगता है। अब सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से पहले पोहे के अंदर मिलाएंगे, और इसको हम मिक्स करके 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे, ताकि सारे जो सब्जियां हैं वो अपना पानी छोड़ दें, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कितना लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको रेस्ट देना जरूरी है।
ताकि आपको अंदाजा मिल जाए कि इसके अंदर कितने अमाउंट में क्या जाएगा। तो इसको हम कवर करके साइड में रख देंगे, तब तक चलते हैं दूसरा काम कर देते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक पैन रखा है, अब इसमें हम ना घी डालेंगे ना बटर डालेंगे, 2 चम्मच तक हम डालेंगे मूंगफली, और मूंगफली को हम धीमी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पे हमें मूंगफली को जलाना नहीं है, बस हमें इसका कच्चापन दूर करना है डियर। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी मूंगफली हल्की हल्की से भुन गई है, बहुत ही बारीक से इस पे चिट्टे पड़ गए हैं, बस इतना काफी है। अब इसमें हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे व्हाइट तिल, अगर आपके पास सफेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें तिल को भी वापस से 10 सेकंड भून लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे, और आप जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि जले ना सभी चीजें। और अब इसके अंदर जाएगा 1 बड़ा चम्मच भरकर सौंफ, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा रेसिपी में। तो यहाँ पे जो सौंफ है वो मोटी वाली इस्तेमाल करनी है, 2 तरीके से सौंफ आती है, एक पतली आती है और एक मोटी आती है। तो मोटी सौंफ को लेकर अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे हमें सारी चीजों को 2 फ्लेम पर बिल्कुल भूनना है ताकि जले ना। और अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे आपको बताते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नारियल का बुरादा, जो इस तरीके से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास फ्रेश नारियल हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन नारियल का बुरादा से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बुरादा हमारा बहुत ही जल्दी जलने लगता है, इसीलिए हम कंटिन्यू चलाते हुए 10 से 15 सेकंड ही इसको भूनेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से अब इसमें क्या जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक, जो हमारी 2 इंच की अदरक थी जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद छील लिया है। अब इसमें हम 2 डालेंगे ग्रीन चिली, जो तीखी वाली है, आप चाहे तो इसकी जगह पे सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन चिली डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको भी हम 10 सेकंड भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें को हमें धीमी धीमी आंच पे भूनना है। तो ये देखिए अच्छे से भुन गई, अब इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा करेंगे, गर्म नहीं इस्तेमाल करना है। तो चलिए ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, जब तक ठंडा नहीं होगा हमें नहीं इस्तेमाल करना है। अब हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे जो सबसे छोटा होता है, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे फटाफट सारा का सारा। तो यहाँ पे आपको इसको डालने के बाद क्या डालना है आपको बताते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक नमक, आप जितना नमक खाते हो उतना डालना। और अब इसमें हम चटपटेपन के लिए डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, जिससे इसको फ्लेवर मिलेगा। और अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच पानी, ज्यादा पानी नहीं डालना है, और इसको हम अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने पीस लिया है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला था, इस तरीके से हो गया है। और ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, जिसमें आपको मीठापन भी लगेगा नारियल का, और मूंगफली का क्रिस्प भी लगेगा, और इसमें जो तिल की खुशबू है उससे तो आपका पूरा किचन ही महक जाएगा। ये देखिए आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर तड़का लगाऊंगी, तो चलिए फटाफट तड़का लगाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए तड़का, पहले मैंने लिया है 1 चम्मच तेल, तेल हमारा जब बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच क्या ये है राई, और इसको हम चटकने देंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे, और इसको हमें बिल्कुल अच्छे से चटका लेना है। जब ये चटक जाएगा तो हम इस तरह से चटनी में ऐड कर देंगे। ये देखिए इसको लगाने के बाद जो आपकी चटनी होगी उसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही अलग आएगा, बहुत ही बेहतरीन आपकी चटनी रेडी हो जाएगी, जिसे आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के। तो चटनी रेडी हो चुकी है, अब इसको साइड में रख देंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड आइए इसको चेक करते हैं। तो देखिए सब्जियों ने अपना जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ब्रेड थी अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें ब्रेड के कॉर्नर को नहीं निकालना है, इसका हम सारा पूरा का पूरा ब्रेड इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस में तोड़ लेंगे। तो फटाफट इस तरह से आप इसको तोड़ लीजिए, हाथ से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आप हाथ से नहीं कर पा रहे तो आप इसे नाइफ से भी छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही तोड़ा है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है। अब एक हम छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए इस तरह से जितना आ पाएगा उतना हम पहले ट्रांसफर कर देंगे, और अब इसको हम कवर कर लेंगे। बिना पानी डाले हम इसका ब्रेड क्रम बनाएंगे, और आपका जो ब्रेड होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए, तभी आपका ब्रेड क्रम बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसको हमें हल्का सा मोटा रखना है, दरदरा। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कर लिया है, बहुत ज्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से दरदरा रखा है, और अब इसको हम फटाफट इसी के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे सारा का सारा। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, जितनी भी हमारी सब्जियों की नमी होगी वो ब्रेड अपने अंदर खुद ही संभाल लेगा। अब ये जो बचा हुआ है इसको भी हम फटाफट ट्रांसफर करके पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए ये भी मैंने पीस लिया है, अब इसको भी हम फटाफट डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए
और अब हम हाथों से सारी चीजों को आपस में मिलाएंगे और एकदम बिल्कुल आटे जैसा इसका हम डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप जब इसको अच्छे से मथ लेंगे तो सारी चीजें वैसे ही इस तरह से देखिए बाइंड हो रही है, देख रहे हैं आप लोग। पानी वगैरह कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं, बस इसको अच्छे से मसल लीजिए। तो फ्रेंड देखिए अच्छे से मसल मसल के मैंने बिल्कुल इसको इस तरह से कर लिया है। और ये देखिए अब अपने हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको हथेली को ग्रेस कर लेना है ऑयल से ताकि ये चिपके ना। और यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हम इस तरीके से छोटा सा इसका नींबू के आकार का पहले पेड़ा बनाएंगे, गोल गोल या लड्डू जो भी आप इसे नाम दे। और फिर इसके बाद हम इसको शेप देंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं इसे कैसे बनाऊंगी आपको बताती हूँ। अब मैं इसको फ्लैट कर दूंगी और इस तरीके से अपनी फिंगर को हम इसके अंदर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ, आप इसे अपने मन मुताबिक किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसको वड़े का शेप दिया है। आप चाहे तो इसे कटलेट के शेप में बना सकते हैं या फिर आप इसे सिलेंडर शेप में बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो आप इसे बना लीजिए। तो चलिए बाकी भी बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी डियर। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बना लिया है, आप इसे बनाकर फ्रिज में भी लगा सकते हैं जब आपका मन हो, या मेहमान आए आप निकाल के बना सकते हैं। तो चलते गैस की तरफ इसे बनाना शुरू करते हैं। बाकी मिश्रण मैंने रख दिया है, उसको मैं बाद में बनाऊंगी। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक पैन लिया है, आप कोई ही बर्तन लीजिए, कढ़ाई लीजिए या भगोना लीजिए या तावा लीजिए, थोड़ा सा फैला हुआ लीजिए। और मैं इसे इस तरह से तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद डाली हूँ, आप भी ऐसे करना। हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करने के बाद इस तरह से आप गैस के फ्लेम को लो कर देना बिल्कुल। और लो फ्लेम पे जब आप इसे पकाएंगे तो ये अंदर से कुरकुरे और काफी ज्यादा स्पंची बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम डाल देते हैं। अगर आपका छोटा है तो आप इसे 2 बैचेस से बना सकते हैं। अब धीमी धीमी आंच पर हम इसे 2 मिनट पकने देंगे, फिर इसके बाद टर्न करेंगे डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, आइए अब इसको हम टर्न कर देते हैं। देखिए कितना बेहतरीन कलर आ चुका है एक साइड से, देख सकते हैं आप लोग। और इसे बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन करना है और अच्छे से कुक करना है। ये देखिए तो नाइफ की सहायता से या छोटे चम्मच की सहायता से आप इसे ईजिली टर्न कर सकते हैं। अब इसे दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाने के बाद निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए आपको हम दिखा देते हैं दूसरे साइड से भी। देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है और यहाँ पे हमें इसको काला नहीं करना है। अब हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए कितने बेहतरीन, कितने कुरकुरे, कितने क्रिस्पी हमें आपको दिखाते हैं हम। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा खूबसूरत सा नाश्ता, जो देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा क्रिस्पी है, करारा है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी है और कितने अंदर तक ये बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट है, ये देखिए। और यहाँ पे जो मैंने चटनी सर्व की है इसके साथ, ये इसकी जान है। आप इस चटनी के साथ जब इसको खाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे। कैसी लगी आपको ये दोनों रेसिपी, चटनी की और ये मतलब नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। आप इसे केचप के साथ ही खा सकते हैं, अगर चटनी नहीं बनाना चाहते इसे मोमो चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो छोटी मोटी भूख का इलाज है, चलिए एंजॉय करते हैं। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद है। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।